जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आप सभी का रिजल्ट आया, बहुत खुशी हुई कि आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा मार्क्स लाया है। जिन्होंने जितना मेहनत किया था उन्हें अपनी मेहनत का नतीजा मिल गया है। बहुत सारे बच्चे ने बहुत अच्छा मार्क्स लाया है और कमेंट भी किया हमें, 383, 84, 85 और मैथमेटिक्स की बात की जाए तो 91, 92, 90, मैंने इस तरीके से अच्छे अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्हें मतलब कहा जाए तो थोड़ा सा ऐसा लगता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जो हारता है वही एक दिन जीतता भी है। इसलिए यदि आप हार गए हैं, हार गए कहने का मतलब क्या कि यदि आप यदि फेल हो गए तो फिर आपको जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आप से कोसने की ज़रूरत नहीं, अपने आप को आपको डटकर उसका मुकाबला करने की ज़रूरत है। और ये सोचना है कि जो गलती हमने एक बार कर लिया अब दोबारा वो गलती नहीं करना है, अगली बार आपको अच्छे से मेहनत करना है और अच्छे से मेहनत करके रिजल्ट हासिल करना है। मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो फिर से प्रयास करें और प्रयास करके अपनी सफलता को हासिल करें। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कि अच्छा लिखा है, मैंने उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो अच्छा लिखे हैं लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें नंबर उतना नहीं मिला है, तो उन लोगों से कहना है कि कोई बात नहीं, आपके पास ऑप्शन आता है, कॉपी रीचेक करवा सकते हैं आप, ठीक है। तो आपको यदि ऐसा लग रहा है कि हमने अच्छा लिखा है और उसके मुताबिक हमें नंबर नहीं मिला है तो आप अपनी कॉपी को रीचेक करवा सकते हैं, ये ऑप्शन आपको दिया जाता है, तो आप रीचेक करवा सकते हैं कॉपी को, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बताए कि सर 0 मार्क्स दिया गया है, तो उन बच्चे को तो दिक्कत है बाबू, 0 मार्क्स की बात मतलब समझ में नहीं, गले में नहीं उतर रही है कि 0 मार्क्स का मतलब हो ही नहीं सकता ऐसा। 0 मार्क्स का मतलब एक भी सही नहीं हुआ, एक जबकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तुक्का मार के भी मारेगा तो 2-3 क्वेश्चन तो सही कर ही लेगा, तो उनमें उनकी कॉपी में को चेक करने में कहीं ना कहीं भूल तो जरूर हुई है, ठीक है। तो उन बच्चों से यही कहना है कि यदि आपने अच्छा लिखा है, यदि आप अच्छा लिखे हैं और आपको उसके बावजूद भी 0 नंबर दिया गया है तो आप अपनी कॉपी को रीचेक जरूर करवाएं, ठीक है। और जो बच्चे दोबारा एग्जाम देना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि फ्लोर हो गए, 2-3 सब्जेक्ट में कुछ बच्चों का जो है क्रॉश लग गया है, समझिए कि 10 लाख बच्चे पास हुए तो 3 लाख बच्चे तो फ्लियोर हुए ही हैं निश्चित रूप से, परसेंटेज थोड़ा सा ठीक है, लगभग 80% के आसपास बच्चे पास हुए, लगभग 77-78% के बच्चे प्रतिशत बच्चे पास हुए हैं। तो जो कुछ बच्चे बच गए हैं वो बच्चे ये मत समझे कि हम कमज़ोर थे जिसकी वजह से मतलब ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से एग्जाम देंगे, लेकिन अपने आप को रोकेंगे नहीं, अपने आप से टूटेंगे नहीं। और वही बात है कि जब तक आप गिरेंगे नहीं, जब तक आप चलेंगे नहीं तब तक गिरेंगे नहीं, और जब गिरेंगे तभी संभल कर चलेंगे, ठीक है। इसलिए संभल कर चलने की ज़रूरत है और दूसरी बार वैसी गलती करने की ज़रूरत नहीं। कुछ और आप लोगों से ये जानकारी देना है कि यदि आपने एग्ज़ाम दे लिया है, ठीक है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अभी जैसे एग्जाम आपका ये रिजल्ट आया तो आपके पास एक सबसे बड़ा ऑप्शन होता है NDA, एयरफोर्स और नेवी, जिनकी शारीरिक मापदंड ठीक है, ठीक है, जिनका शारीरिक मापदंड ठीक है वो इसके लिए उन मतलब ये जो जॉब है इसके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आती है उनके लिए, ठीक है। तो जिनका भी शारीरिक मापदंड ठीक है और 3 सब्जेक्ट में, जैसे मान लीजिए कि मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में और इंग्लिश में यदि आप अच्छा स्कोर कर पाए, ठीक है, तो फिर आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं, आप आसानी से इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए तैयारी में लग जाने की ज़रूरत है, बिल्कुल तैयारी में लग जाने की ज़रूरत है। ये जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए आता है ये एकदम पिक टाइम का होता है, जैसे ही आप 12th और 11th करके आते हैं तो आपके लिए जो एयरफोर्स, NDA और नेवी का जो एक वैकेंसी आता है ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है और आप यहाँ से तैयार होते हैं, ये तैयार रहते हैं पहले से ही, क्योंकि वही सिलेबस आपको पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में, थोड़ा सा इधर उधर करके पूछा जाता है लेकिन सिलेबस वहीं से होता है, 11th 12th से ही सिलेबस आपका रहता है, चाहे मैथमेटिक्स की बात कर ले, फिजिक्स की बात कर ले, इंग्लिश की बात कर ले, कहीं भी कोई भी सब्जेक्ट की बात कर ले तो उसका सिलेबस वहीं से होता है,
ठीक है, तो आपके लिए एक अच्छा चांस होगा यहाँ पर। और यदि कोई बच्चे यहाँ से जो है टेक्निकल क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से जो है टेक्निकल क्षेत्र में भी जा सकते हैं, जैसे पॉलिटेक्निक हो गया, आईटीआई हो गया, जो मतलब मीडियम फैमिली के बच्चे हैं उनकी बात हम कर रहे हैं, यहाँ से वो भी कर सकते हैं, जिनके लिए फॉर्म आता है आप फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भरकर एग्जाम निकालिए और फिर आप सरकारी जो सरकार की तरफ से आता है उस पर आप आसानी से पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, या फिर पैरामेडिकल, बच्चियों के लिए पैरामेडिकल है, और आईटीआई भी आप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और इसके बाद यदि आप ये करना नहीं चाह रहे हैं, सीधे जनरल कंपटीशन के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, तो आपको यहाँ से थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा जनरल कंपटीशन के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है जनरल कंपटीशन में, तो जब भीड़ ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से जनरल कंपटीशन की भी तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इसके बाद आप आसानी से जो है तैयारी करके अपने मंजिल को पा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप अपने मंजिल को तय करें, सॉरी फिक्स करें कि आपका मंजिल क्या होना चाहिए, आपको किस क्षेत्र में जाना है। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि जब आप जैसे एग्जाम पास आउट करते हैं तो फिर ये समझते हैं कि हम क्या करें, कैसे करें, कहाँ करें, मतलब बहुत सारी बातें दिमाग में आती है। तो यहाँ पर आपको स्थिर होकर एक बार सोचने की ज़रूरत है कि हमें किस क्षेत्र में जाना है, हमारे लिए कौन सा क्षेत्र बेटर है, हमारे लिए कौन सा क्षेत्र अच्छा है, और किस क्षेत्र में हमें जाना है। ये डिपेंड करता है आपकी सोच के ऊपर कि आप किधर जाना चाह रहे हैं, और परिवार के सपोर्ट के ऊपर, जैसा परिवार आपका सपोर्ट करे आप उस क्षेत्र में निश्चित रूप से जाएं, लेकिन अपने आप को ये देख ले कि हम किस क्षेत्र में जाने के काबिल हैं, अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है, यही वक्त है अपने आप को पहचानने का। तो यहाँ से आप अपने मंजिल को तय करें निश्चित रूप से, और यदि आप मंजिल को तय कर लेते हैं तो फिर आपके लिए चलाना आसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके दिमाग में टारगेट सेट है कि हमें दिल्ली जाना है, तो फिर आप दिल्ली के लिए गाड़ी पकड़ेंगे या दिल्ली के लिए जो भी होगा रास्ता उस रास्ते पर चलेंगे, और आपके माइंड में यदि ये सेट नहीं है कि हमें किधर जाना है तो घर से किधर निकलेंगे, कभी इधर भटकेंगे, कभी इधर भटकेंगे, कभी उस रूट पर चलेंगे, कभी उस रूट पर चलेंगे, और अपनी मंजिल पर पहुँचने में वक्त लग जाएगा, बहुत वक्त लग जाएगा, चूंकि आपका मंजिल फिक्स नहीं है। जैसे ही मंजिल फिक्स होगा आप उस रास्ते पर चलेंगे और निश्चित रूप से आप अपनी मंजिल को पाएंगे। देर है, पहले है, किसी को पहले मिल जाता है, किसी को देर होता है, वो डिपेंड करता है उसके चलने के ऊपर, उसके मेहनत के ऊपर कि वो कितना मेहनत कर रहा है, कितना चल रहा है। जो जितना ज़्यादा चलेगा, जो जितना ज़्यादा मेहनत करेगा, वो जल्दी अपने मंजिल तक पहुँचेगा। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना है कि आप लोग अपनी मंजिल को जरूर तय करें और यहाँ से अपनी पढ़ाई की शुरुआत करें, और शुरुआत करके सभी लोग अपने मंजिल को पाएं, अपने मुकाम को पाएं, सफलता को हासिल करें। माँ सरस्वती से कृपा है, उनकी ये आशीष आप लोगों पर होगी कि आप लोग जल्दी अपने मंजिल को हासिल करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।